मम्मी जायका में आपका स्वागत है। आज हमने बनाई है केक को डेकोरेशन करने की रेसिपी। ये देखिए केक कितना अच्छा बना है। इसको हमने पहले व्हिप्ड किया था और फिर उसके बाद इसको चॉकलेट से हमने सजाया। ये देखिए मैं आपको काट के बताती हूँ कितना बढ़िया बना है। ये देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी सामग्री इस प्रकार है। केक को मैंने फ्रिज में रख के ठंडा कर लिया था। इसके ऊपर व्हिप्ड क्रीम लगाने से पहले इसको ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। अब हम एक छुरी लेंगे और इसके दो पार्ट करेंगे। केक को हमने दो भागों में कर लिया। ये मैंने दूध में पाउडर शुगर डाल के इसको अच्छे से मेल्ट कर लिया। ये देखिए ये डालेंगे, इससे केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी बनता है। दूसरे वाले भाग पर भी ये डाल देंगे दूध। अब हम एक बाउल लेंगे, उसको इस तरह से ऊंधा रख देंगे और एक थाली लेंगे इस तरह की, उसको इस बाउल के ऊपर ऊंधा रख देंगे। और मैंने ये केक रखने के लिए इस तरह का जो गत्ता होता है उसको काटा है, गोल काट लिया और उसके ऊपर एल्यूमिनियम फॉइल होती है उसको लगा दी। ये इसके ऊपर रख देंगे। इसके ऊपर हम थोड़ी सी क्रीम लगाएंगे और केक का एक भाग इसके ऊपर रख देंगे। ये देखिए कितने अच्छे से घूम रही है बिना स्टैंड के। अब हम इसके ऊपर व्हिप क्रीम लगाएंगे। व्हिप क्रीम का वीडियो मैं बना चुकी हूँ। ये देखिए कोई भी आप चम्मच ले ले चौरस वाला और उससे ही क्रीम को लगा दें। अब हम इसके ऊपर दूसरा वाला भाग रखेंगे। आप चाहें तो इसके तीन पार्ट भी कर सकते हैं। इसके ऊपर भी क्रीम को अच्छे से लगा लेंगे। अब हम यहाँ पर साइड में लगाएंगे। ये देखिए हमने सारी साइड में भी क्रीम लगा दी। अब हम इसे 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि क्रीम अच्छे से सेट हो जाए, फिर इसमें फिनिशिंग लाएंगे। केक को हमने फ्रिज में से निकाल लिया। अब इस तरह का एक स्क्रैपर लेंगे, ये मार्केट में आराम से मिल जाता है। ये 3 का पैकेट 50 रुपये में मिलता है। आप चाहें तो पुराने वाले जो आपके डेबिट कार्ड होता है उसका भी बना सकते हैं। इसमें इसको इस तरह से हम करेंगे, इससे डिजाइन भी बन जाएगी और एक्स्ट्रा की क्रीम भी है वो निकल जाएगी। ये देखिए जो एक्स्ट्रा क्रीम है वो अलग से इस तरह से बाउल में निकालते जाए। इसको घुमाते जाए। ये देखिए इसी तरह से हम साइड में भी करेंगे। इस तरह से रखें, बिल्कुल हल्के हाथ से रखना, दबाना नहीं है। कितनी बढ़िया डिजाइन आई है और सारी एक्स्ट्रा की क्रीम भी निकल गई है। ये मैंने डार्क चॉकलेट कंपाउंड लिया, ये इस तरह का बड़ा पीस था, उसको ये जो आलू छीलने का पीलर होता है इससे इस तरह से पील कर लिया। इस तरह से देखिए पील करा है इसको, ये कितनी अच्छी इसकी पीलर निकली। ये देखिए अब हम इसे केक पर डेकोरेट करेंगे। बड़ी थाली में निकाला है। इस तरह से आप हाथ में जो चॉकलेट का चूरा है इसको ले और इस तरह से लगा दें, थाली को घुमाते जाएं। ये देखिए हमने चारों तरफ लगा लिए। अब ये जो एक्स्ट्रा का है उसको हम उठा लेंगे। इसके ऊपर भी थोड़ा सा चूरा डालेंगे चॉकलेट का जो हमने करा था वो। ये हमने इसका ऊपर का भाग काटा नहीं है, इसके लिए ऊपर से थोड़ा उभरा हुआ लग रहा है। आप चाहे तो काट सकते हैं लेकिन मैंने इसमें नहीं काटा। ये देखिए हमारा केक कंप्लीट तैयार हो गया। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत आसानी से घर पे बन जाता है। मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।